ये है वक्त मीडिया। 23/9/2023 की शाम हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ सरजमीन करियतुल सवालिहीन फुलत की एक बावकार शख्सियत मोहतरमी जनाब हाफिज अब्दुल्ला सिद्दीकी रहमतुल्ला अलैही जो चंद माह पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई, उनकी 45 साल अदबी खिदमात पर उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए इस ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद हिंदी भवन दिल्ली में किया गया, जिसके कन्वीनर रहे शायर नवीन नीर और शायर दिलदार दहलवी। अपने वालिदे मरहूम की अदबी काविशें उनको खराज अकीदत के तौर पर इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में उनके फर्जंदे अर्जुमंद शायर व अदीब अब्दुल रब हम्माद फुलती का बहुत अहम किरदार रहा। शुरू करेंगे तो आज के इस मुशायरे का आगाज सबसे पहले मैं समझता हूँ गुरविंदर सिंह जी हमारे दरमियान बैठे हुए हैं, जिनका ताल्लुक शायरी से कमोबेश पिछले 15-17 वर्षों से जुड़ा हुआ। तशरीफ लाइए इधर। अपने मोहतरम दोस्त गुरविंदर सिंह साहब से दरख्वास्त करूंगा आज के मुशायरे का आगाज अपने कलाम से करें। गुरविंदर सिंह भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार। नई महफिल है और ज्यादातर नए चेहरे और शुरुआत मुझी से, तो मुझे आपको समझना होगा और आपको मुझे, तो इजाजत शुरुआत करते हैं। चार मिसरों से अपनी बात कहता हूं कि सदाकतों की हिफाजत से दूर जा बैठे, सदाकतों की हिफाजत से दूर जा बैठे तमाम लोग रिवायत से दूर जा बैठे। शुक्रिया। सदाकतों की हिफाजत से दूर जा बैठे तमाम लोग रिवायत से दूर जा बैठे, है नूरा कुश्ती सियारों की और गिद्धों की, हम आदमी थे सियासत से दूर जा बैठे, सियासत से दूर जा बैठे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरा परिचय आधा अधूरा क्योंकि हमारी मुलाकात नहीं है साहब, तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं पेशे से स्किन स्पेशलिस्ट हूं, पिछले 28 साल से गुड़गांव में प्रैक्टिस। मेरा नाम डॉक्टर गुरविंदर बांगा, मैं पेशे से स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 25-26 सालों से। गज़लों की दुनिया में पिछले कुछ सालों से हूँ, 3-4 किताबें आ चुकी और कुछ चेहरों को पहचानता हूँ, कुछ से आज उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे इसके बाद भी पहचानेंगे। तो मेरे चार मिसरे कि जान देने के लिए तैयार होते ही नहीं, जान देने के लिए तैयार होते ही नहीं, अब किसी भी कौम में सरदार होते ही नहीं। शुक्रिया। जान देने के लिए तैयार होते ही नहीं, अब किसी भी कौम में सरदार होते ही नहीं, और राजमहलों को भी होती है कसीदों की तलब, वरना अपने मुल्क में अखबार होते ही नहीं, वरना अपने मुल्क में अखबार होते ही नहीं। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और देखिएगा। खेत का जैसे ही सौदा हो गया, खेत का जैसे ही सौदा हो गया, एक पुराना जख्म गहरा हो गया, नाव वापस लौट कर आई नहीं, मैं किनारे पर ही बूढ़ा हो गया, मैं किनारे पर ही बूढ़ा हो गया। एक मुकम्मल गजल, उसके बाद चंद अशआर। और भूखे नंगों में भी एक दिन, भूखे नंगों में भी एक दिन ये कमाल आ जाएगा क्या, भूखे नंगों में भी एक दिन ये कमाल आ जाएगा क्या, जो नमी आंखों में है उसमें उबाल आ जाएगा क्या, और एक सरकारी खजाना और भूखे अनगिनत हैं,
एक सरकारी खजाना और भूखे अनगिनत हैं, रोजी रोटी का भी संसद में सवाल आ जाएगा क्या? रोजी रोटी का भी संसद में सवाल आ जाएगा क्या? कैद में दुख दर्द की रिश्तों से टूटा है जो इंसान, कैद में दुख दर्द की रिश्तों से टूटा है जो इंसान, होके खुशियों से दोबारा माला माल आ जाएगा क्या? और जिनके जिनसे दिल जुड़े हैं, जिनके दिल से दिल जुड़े हैं, वो करेंगे उनसे उल्फत, टूटे दिल का भी किसी को तब ख्याल आ जाएगा क्या? और मकता कुछ इस तरह से हुआ कि बागियों की मौत का फरमान जारी कर दूं बांगा, बागियों की मौत का फरमान जारी कर दूं बांगा, पहले मंडी में बताओ कुछ उछाल आ जाएगा क्या, पहले मंडी में बताओ कुछ उछाल आ जाएगा क्या। चार मिसरे और उसके बाद एक मुकम्मल गजल फिर समाप्ति। हाकिम ने दस्तखत किए सौदा भी पट गया, सर कि हाकिम ने दस्तखत किए सौदा भी पट गया, अच्छा भला दरख्त कुल्हाड़ी से कट गया, अच्छा भला दरख्त कुल्हाड़ी से कट गया। चार मिसरे और देखें कि हम फकीरों पर नहीं खतरा कोई, हम फकीरों पर नहीं खतरा कोई, आजकल देता नहीं पैसा कोई, और झोपड़ी से दाल की उठी महक, फिर बिका बर्तन पुराना क्या कोई, फिर बिका बर्तन पुराना क्या कोई। एक मुकम्मल गजल देता हूँ, मेरी बहुत पसंदीदा गजल है, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। कि उसकी आवाज़ के जादू की खनक उठती है, उसकी आवाज़ के जादू की खनक उठती है, याद आती है तो इस दिल में चमक उठती है, और जुल्म सहकर भी हुकूमत के हैं खामोश सभी, जुल्म सहकर भी हुकूमत के है खामोश सभी, आग तो आग है सीने में धधक उठती है, और अब कोई दर्द ना तकलीफ बची इस दिल में, अब कोई दर्द ना तकलीफ बची इस दिल में, आँख का क्या है ये तो यूं ही छलक उठती है, आँख का क्या है ये तो यूं ही छलक उठती है, और सबने खैरात को हक मान लिया है शायद, सबने खैरात को हक मान लिया है शायद, भीख लेते हुए कब दिल में झिझक उठती है, भीख लेते हुए कब दिल में झिझक उठती है, और शहर का शहर गुलामी पे भी खुश है शायद, शहर का शहर गुलामी पे भी खुश है शायद, चंद लोगों में, और इन चंद लोगों में मैं भी हूँ, आप सब भी शामिल हैं, ये सुनिएगा कि शहर का शहर गुलामी पे भी खुश है शायद, चंद लोगों में बगावत की सनक उठती है, और आज का मेरा ये आखिरी शेर मकता, उम्मीद करता हूँ ये आप तक पहुँचेगा, कि चंद लोगों में बगावत की सनक उठती है, और मुझको बतलाइए बांगा मैं करूँ किस पे यकीन, मुझको बतलाइए बांगा मैं करूँ किस पे यकीन, जिंदा जिस्मों से भी लाशों की महक उठती है, जिंदा जिस्मों से भी लाशों की महक उठती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। बहुत अच्छी शुरुआत मुशायरे को दी है, वाकई मेरी पहली मुलाकात है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तमाम शायर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हों, कई मरतबा हम बराह रास्त नहीं जानते, लेकिन जब मालूम होता है कि उनमें क्या क्या खूबियां हैं तो वो बहुत देर तक रहती हैं। बांगा साहब, आपने मुशायरे को बहुत ही अच्छा आगाज़ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद मुबारक, इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा। अब दोस्तों आइए इस सिलसिले को, मैं असल में चाहता हूँ कि मैं कम वक्त लूँ और आप लोग अपने, अच्छा बुला लूँ प्रधान जी, प्रधान जी और मोहम्मद सरवर साहब। दोस्तों मैं हम्माद साहब,
हम्मा साहब, सरवर साहब को, प्रधान जी को आप डाइस पर लाइए। हमारे गेस्ट हैं आज के मेहमान, तशरीफ लाइए सर। एक मरतबा तालियों से अच्छी तरह से इस्तकबाल कर लिया। तो दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि सिलसिला चलता रहेगा, ये मुशायरा है, इसमें ज़रूरी काम भी होते रहेंगे और शायर आकर अपने कलाम भी पढ़ते रहेंगे। मैं चाहता हूँ एक ऐसी बेतकल्लुफ़ सी महफिल हो जाए कि जिसमें शायर और सुनने वाले के दरमियान कोई बहुत ज़्यादा फासला ना रहे। तो मैं बग़ैर वक्त लिए और बग़ैर ज़्यादा बातें किए हुए नौजवान शायर जनाब कामरान आदिल साहब से दरख्वास्त करूँगा। खतौली से तशरीफ़ लाए हैं और बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं। कम व बेश मैंने उनको दो तीन मरतबा सुना है, तो मैं कामरान आदिल से दरख्वास्त गुजार हूं। आदाब हाजरीन महफिल, मैं शफी खान, वक्त मीडिया के लिए हिंदी भवन दिल्ली।